So in today's video we'll be discussing about the process of transpiration. So we know कि plants में बहुत सारे processes होते हैं. For example, photosynthesis process, जिसकी वजह से जो plants हैं वो अपना खाना बनाते हैं. वैसे ही एक regulatory mechanism और regulatory process हम कह सकते हैं कि plants में होता है, जिसका नाम है transpiration. So transpiration process एक ऐसा process है जिसकी वजह से जो plants हैं वो अपना excess water, जो उनमें excess water present होता है, उसे lose करते हैं. अब वो कैसे लूज़ करते हैं और किस क्यों लूज़ करते हैं, मतलब उनके इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है और वो मैकेनिज्म क्या होता है कि वो कैसे लूज़ करते हैं, वो सर हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एट फर्स्ट कम्स द डेफिनेशन. सो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है वो लूज़ होता है. कहाँ से लूज़ होता है? फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. सो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स मीन्स रूट्स के ऊपर जो भी हमारे स्टेम होती हैं, हमारे शूट्स होती हैं, हमारे लीव्स होते हैं, वो सभी एरियल पार्ट्स के अंडर आते हैं. तो वहाँ से कहीं से भी जब वाटर जो लूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ये ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से भी हो सकती है, क्यूटिकल से भी हो सकती है और लेंटिकल से भी हो सकती है. इसे भी हम डिस्कस करेंगे इन थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशंस में. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन रेशियो के बारे में. नाउ दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज लॉस्ड थ्रू दिस प्रोसेस पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट. सो ट्रांसपिरेशन रेशियो वो रेशियो होती है जो हमें बताती है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर लूज हुआ है इस प्रोसेस के कारण, इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण, पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि कैसे ये वर्ड पर यूनिट ड्राई मैटर यूज़ होता है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ अबाउट 200 to 300 फॉर सॉर्गम प्लांट एंड ओनली 50 फॉर पाइनएप्पल प्लांट. तो क्या होगा कि 200 to 300 kgs ऑफ वाटर जो है वो इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से लूज होगा फ्रॉम दिस सॉर्गम प्लांट पर kg ऑफ ड्राई मैटर. ओके, सो इन सिमिलर वे पाइनएप्पल की अगर हम एग्जांपल लें तो 50 kgs ऑफ वाटर लूज होगा पर 1 kg ऑफ ड्राई मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट ऑफ पाइनएप्पल. सो दिस इज व्हाट दिस टर्म ट्रांसपिरेशन रेशियो मीन्स. तो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती है और सेम प्लांट में भी अंडर डिफरेंट कंडीशंस वेरी कर सकती है. अब हम ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन में भी वाटर लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इवेपोरेशन में भी तो वही होता है. तो पर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें ये डिफरेंस है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है? यहाँ पर लिविंग सेल्स, लिविंग जो टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और ये प्लांट्स में ही अकर करता है, ठीक है? वाटर जो है यहाँ पर सॉइल में से मूव करता है, ठीक है, रूट्स में एंटर करता है, देन साइलम में एंटर करता है और ऐसे ही लीफ में जाकर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल आता है. तो दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. इवेपोरेशन ऑन द अदर हैंड इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. हियर फिजिकल फोर्सेज आर इन्वॉल्व, ठीक है? ये किसी भी फ्री सर्फेस में हो सकता है. किसी भी फ्री सर्फेस में मतलब अगर आप एक कटोरी में पानी डाल कर रख दो, ठीक है, धूप में, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है? अब जिस आपने कटोरे में वो पानी रखा था दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? बट वाटर लूज तो हुआ है ना, वाटर लॉस तो हुआ है. सो इवेपोरेशन वो किसी भी फ्री सरफेस में से अकर कर सकती है. ट्रांसपिरेशन में जो वाटर है वो मूव करता है थ्रू द एपिडर्मिस विद द क्यूटिकल और थ्रू द स्टोमेटा. मैंने वही आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन में स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर लूज हो सकता है, ठीक है, क्यूटिकल के थ्रू हो सकता है, लेंटिसल्स के थ्रू हो सकता है. अब इवेपोरेशन में एनी लिक्विड कैन इवेपोरेट. अगर आप पानी रख दो वो भी वेपोरेट हो जाएगा, उसकी जगह आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक रख दो वो भी वेपोरेट हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर कोई भी लिविंग स्टोमेटा, लिविंग एपिडर्मिस, ऐसे कोई भी लिविंग टिश्यूज इन्वॉल्व नहीं होते. वही बात लिविंग सेल्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर लिविंग थिंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग में भी हो सकता है, ठीक है? हियर नाउ वेरियस फोर्सेस सच एज वेपर प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और भी काफ़ी टाइप ऑफ प्रेशर लाइक टर्गर प्रेशर वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हम जैसे प्रोसेस को आगे स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि हर एक जो प्रेशर है उसका क्या मतलब है और वो कहाँ यूज़ होता है. यहाँ पर ऐसी कोई भी फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं होती. इट मेक्स अ सर्फेस ऑफ लीफ एंड यंग स्टेम वेट, ठीक है? अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कैसे ट्रांसपिरेशन होती है
और क्या उसके फ़ायदे हैं? तो एक फ़ायदा ये भी है कि वो जो प्लांट को ठंडा रखती है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देती है, वो इसने लिखा हुआ है यहाँ पर हमें हमने कि वहाँ से जो लीफ है और जो स्टेम है वो ठंडी रहती है, वो वेट रहती है, जिसके कारण उसे सन बर्निंग नहीं होती, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड इवेपोरेशन क्या करती है? इट कॉजेज ड्राइंग इफेक्ट, ठीक है, पानी था अब वो ड्राइड हो गया तो वो सर्फेस ड्राई हो जाएगी, राइट। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू प्रोसेसेस, दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन। नाउ सी, दिस इज लैंड सर्फेस, ठीक है, यहाँ पर ग्रासेस लगाई हुई हैं, यहाँ पर हमने कुछ ट्रीज लगाए हुए हैं, और यहाँ पर ये बैरन लैंड है, यहाँ पर हमने कोई भी ग्रोथ नहीं करवाई। तो अभी अगर यहाँ पर कोई वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, कुछ तो ग्रासेस एब्जॉर्ब कर लेंगी, कुछ ये ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ट्री, कोई भी हर्ब्स, श्रब्स कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ बैरन प्लेस, तो वहाँ पर जो पानी है कुछ तो सीप डाउन हो जाएगा, ठीक है, और कुछ इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वो एक फ्री सरफेस है तो डायरेक्टली वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो वाटर ये प्लांट्स और ग्रासेस जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन लूज करेंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी हमारी ये थोड़ी थोड़ी खाली जगह दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर भी इवेपोरेशन होगी अगर ऊपर जो ट्रीज़ की जो शेड है वो वहाँ पर नहीं पड़ रही, ठीक है, अगर तो डेंस ग्रोथ होगी तो वहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होती, ठीक है, बहुत कम होती है इवेपोरेशन, वहाँ पर ट्रांसपीरेशन ही होगी। बट यहाँ देखो, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल ग्रासेस लगी हुई हैं, तो ये बीच में जो थोड़ी थोड़ी बैरन स्पेस प्रेजेंट है तो वहाँ से इवेपोरेशन भी हो सकती है, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि इवेपोरेशन वहाँ पर होती है जहाँ पर सरफेस जो है वो डायरेक्टली अंडर द सन हो और वो फ्री सरफेस हो, वहाँ पर कोई भी ग्रासेस या कोई कुछ भी ना लगा हो। अगर हमने ग्रासेस लगाई हैं तो वहाँ पर ट्रांसपीरेशन भी होगी एंड इवेपोरेशन भी होगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह पड़ी है, ठीक है। अब जो अगर हमने ट्रीज लगाए हैं और वो बहुत डेंसली ग्रोन ट्रीज है, ठीक है, सनलाइट तो नीचे पहुँच ही नहीं, तो इवेपोरेशन कैसे हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रांसपीरेशन ही होती है। अब इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन को हम टुगेदर कह देते हैं इवेपोट्रांसपीरेशन। तो आई होप कि ट्रांसपीरेशन एंड इवेपोरेशन में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ वी लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, मीन्स ये ट्रांसपीरेशन होती क्या है। तो देखिए, वाटर जो है वो पैसिवली पहले तो रूट्स में एंटर करता है, ठीक है, पहले वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल में से वो कहाँ चला गया, रूट्स में चला गया। अब जब वो रूट्स में चला गया तो वहाँ से वो कहाँ जाता है, जाइलम में। जाइलम वो वेसल होता है जो पानी को कैरी करता है इन द प्लांट, तो वो उसमें एंटर कर गया। जो फोर्सेस ऑफ अडहेशन एंड कोहेशन एंड अडहेशन की फोर्सेस की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर ऊपर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर है, जब ये जाइलम में से मेसोफिल सेल्स में एंटर हो जाता है एंड वहाँ से वो फ्रॉम द स्टोमेटा वो इवेपोरेट हो जाता है। तो दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी इसको एक्सप्लेन करूँगी ताकि ये और भी क्लियर हो जाए। तो ट्रांसपीरेशन में पहला जो है ये मैकेनिज्म में पहला पॉइंट आता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है भाई। अभी ये सॉइल प्रेजेंट है, सॉइल में पानी प्रेजेंट है, अब पहला तो यही स्टेप होगा ना कि सॉइल में से पानी प्लांट में एंटर करें, ठीक है। अब वो कहाँ से एंटर करता है, वो इन रूट्स में से एंटर करेगा, क्योंकि सॉइल जो है वो ना ही तो स्टेम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, ना ही किसी ऊपर वाले पार्ट के साथ, किसके साथ लिंक्ड है, रूट्स के साथ लिंक्ड है। तो अब ये जो पानी है वो जो सॉइल में प्रेजेंट है वहाँ से वो रूट्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है रूट हेयर प्रेजेंट है, बहुत सारे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जितने ज़्यादा रूट हेयर प्रेजेंट होगी उतना ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये जो ब्राउन ब्राउन है ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लू है ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो है वेसल आपको दिखाई दे रहा है ये वेसल है साइल। अब क्या होगा कि जो वाटर है वो इन रूट हेयर्स में से जाकर जाइलम में एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, देखिए एब्जॉर्प्शन जो है वो विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस अब क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर जो है वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू देयर लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। अब हायर कंसनट्रेशन कहाँ थी, सॉइल में, क्योंकि पानी सॉइल में प्रेजेंट था तो वहाँ पर उसकी हाई कंसनट्रेशन थी। लो कंसनट्रेशन अब कहाँ है, रूट के अंदर। तो जो पानी है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो सॉइल में से रूट्स में एंटर कर जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए, अभी मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि सब कुछ नहीं एंटर कर सकता। अब देखिए, यहाँ पर तो सॉइल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है,
तो ये सॉयल मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं अंदर जा रहे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ही क्यों अंदर जा रहे? क्योंकि ये जो सरफेस है ठीक है वो सेमी परमीएबल है, मतलब कि वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देगी, या ऑस्मोसिस प्रोसेस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पर अंदर जाएंगे, सॉयल मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैंने जो आपको पहले ही डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, कि पैसिवली मूव करता है ठीक है, पैसिवली जो वाटर है वो एंटर करता है। अब पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है ठीक है, एनर्जी नहीं लगती ठीक है। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता तो वहाँ पर एनर्जी लगनी थी, बट यहाँ पर ये वाटर पैसिवली मूव कर रहा है। पैसिवली का मतलब और कुछ नहीं है, यहाँ पर पैसिवली का मतलब यही है कि वो विदाउट एनी कंजप्शन ऑफ एनर्जी मूव कर रहा है। और मैंने आपको बताया जितने ज़्यादा रूट हेयर होंगी उतनी एब्जॉर्प्शन होगी, क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा रूट हेयर प्रेजेंट होंगे उतना ही ग्रेटर वॉल्यूम होगा, जितना ग्रेटर वॉल्यूम होगा उतना ही ग्रेटर सरफेस एरिया होगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऑस्मोसिस भी तो उतना ही ज़्यादा होगा, राइट? अब देखिए जो फर्स्ट अब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है वो तो हो गया, अब इसके बाद ये जो वाटर है वो ऊपर कैसे जाएगा ठीक है, उसके लीव्स तक पहुंचना है, ट्रांसपिरेशन तो लीव्स के थ्रू ही होती है, तो वहाँ कैसे पहुंचेगा? अब जब ये जाइलम में एंटर कर गया, इन वेसल्स में एंटर कर गया, तो अब वो कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस की वजह से ऊपर ऊपर चलता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पर है ना एक्ट कर रही, उसने क्या चाहना है? उसने चाहना है कि मैं तो वाटर को नीचे खींचूंगी ठीक है, बट इसलिए हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्सेस चाहिए जो इस वाटर को ऊपर लेकर जाए ठीक है। अब वो कौन सी फोर्सेस हैं? थ्री फैक्टर्स आर देयर, वन इज द रूट प्रेशर, सेकंड इज द कैपिलरी एक्शन, एंड द थर्ड इज द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल का क्या मतलब है कि देखो ऊपर वाटर जो है वो लूज हो ही जा रहा है, उसकी वजह से एक पुल क्रिएट हो जाता है जो कि पानी को और ऊपर को खींचता है ठीक है, उसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। अभी कोहेशन और एडहेशन फोर्सेस का क्या मतलब है? सो कोहेशन जो फोर्स है, जो कोहेशन वर्ड है, वो तब यूज़ करते हैं जब हम सिमिलर मॉलिक्यूल्स की बात करें, उनमें जो फोर्स एक्ट करती है उसे हम कोहेशन की फोर्स कहते हैं। जैसे कि अब जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स होगा ना उसे हम कोहेशन की फोर्स कहेंगे ठीक है। उसके बाद आती है एडहेशन की फोर्स, एडहेशन तब अकर करती है जब ये जो वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है विद द जाइलम सेल्स ठीक है। एडहेशन वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व। अब यहाँ पर वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से हैं? एक तो हमारा है वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है, और सेल्स हैं जाइलम सेल्स। इनमें कौन सा बॉन्ड बनता है? इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसे आपने याद रखना है कि एडहेशन एंड कोहेशन की फोर्सेस की वजह से एक वाटर चेन इफेक्ट क्रिएट होता है, चेन दिखाई दे रही है ना वाटर की, तो इसके वजह से भी जो पानी है वो ऊपर को जाता है। इसे हम कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं ठीक है, कैपिलरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है ठीक है। अब ये तो हुआ कि हाँ कि पानी ऊपर तक चला गया, अब चला गया तो जब वो लीव्स में चला गया तो उसके बाद वो मीसोफिल सेल्स में से ठीक है बाहर निकल के ये स्टोमा के थ्रू, स्टोमा क्या होती है? ओपनिंग को कहते हैं ठीक है। ये जो ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर उनके बीच में ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमा कहते हैं, और उसी के थ्रू जो वाटर है वो बाहर इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसे हमने देख लिया कि थ्री स्टेप्स में मैकेनिज्म हुआ है कि एब्जॉर्प्शन, फिर उस पानी का ऊपर जाना ठीक है, फिर फाइनली उसका इवेपोरेट हो जाना। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, आई होप इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ भाई पानी था यहाँ पर ठीक है, वो अंदर चला गया साइलम वेसल में, साइलम वेसल में वो फोर्स लगी कोहेशन की, एडहेशन की ठीक है, वो बाकी सारे पुल्स लगे उसकी वजह से वो ऊपर गया, अब यहाँ से फाइनली थ्रू द स्टोमा वो बाहर निकल गया। तो ये तो भी हो गया आपका मैकेनिज्म। अब हम क्विकली देख लेंगे कि थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन होती है ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक होती है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एक होती है लेंटिकुलर, एंड एक क्यूटिकुलर। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एज अ नेम सेज कि वो स्टोमेटा में से होगी, क्यूटिकुलर क्यूटिकल्स में से होगी, एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन लेंटिकल्स में से होगी। अब स्टोमेटा जो है, जो 80-90% वाटर लॉस है वो स्टोमेटा से ही होता है ठीक है, क्यूटिकल में से वो डिपेंड करता है, अब क्यूटिकल थिक है, क्यूटिकल थिन है ठीक है। क्यूटिकल क्या होता है? कि वैक्सीलिया प्रेजेंट होती है ठीक है, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। अब अगर वो क्यूटिकल थिन है तो अराउंड 20% वाटर ट्रांसपायर आउट कर जाएगा,
बट अगर वो लेयर थिक है तो वाटर जो लॉस है वो उतना ही डिक्रीज आउट होता रहता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन काफ़ी कम होती है यहाँ से ट्रांसपिरेशन, बट होती है, ठीक है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं।